महाराज दक्ष ने यज्ञ किया था, महाराज दक्ष ने यज्ञ रचाया। ध्यान रखना, शिवजी को नौता नहीं दिया, अपनी लड़की को और सबको बुलाया, लेकिन सती को नौता नहीं दिया। तो आज सती मैया बोली है भोलेनाथ से कि प्रभु आज मेरे पिताजी के घर पे सब बहनें इकट्ठी भई हुई, तो आज जा बहाने ते मुंह मिले आएंगे। भोलेनाथ बोले कि हमारे लिए नो तो ना आए, और बिना नोते के सती जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, सम्मान नहीं मिलेगा। हमेशा माताएं बहनें बेटियां गौर से सुने इस बात को कि जीवन में चाहे चटनी दिखानों पर जाए, पर कभी बिना सम्मान और बिना बुलाए मायके में मत लाना। सती मानी नहीं, क्या बात भाई, किन्ने ना बुलाओ, तुम्हारे 15 दिना नोते दनादन जा रहे हैं, तुम एक दिन ही कह रहे हैं। और फिर तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। ध्यान रखना, एक जगह दरोगा जी हमको भागवत के लिए परिवार वालों ने नियुक्त कर दिया, एडवांस भी हमें दे गए, और जो नोतवे भागवत को आए काए उनके लड़का की बहू रूठ गई। बिन्ने कही कि शास्त्री हम लाए अपने कनक सन को, लाख प्रयास किया किसी की नहीं चली, पप्पू को हटा दिया गया, और वह लड़का की बहू अपने कनक सन के कनक सन में दिलाई। लेकिन आप बहन जी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपकी यहां इतनी कीमत है कि शास्त्री को चुना गया तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे कहने से चुना है। ध्यान करना, तो आज जब सती जाने के लिए जिद कर रही हैं और भोले बाबा मने कर रहे हैं कि बिना नोते के जाओगे तो सम्मान नहीं हुआ, लेकिन जब भोले बाबा नहीं रोक पा रहे हैं, विचार करियो दरोगा जी, जब बास में सती जैसी मैया ना मान पाई, अबे न माने तो बुराई ना है, लेकिन जब गई है बिना नोते के तो हालत क्या हुई है, लिख रहे हैं गोस्वामी जी। पिता गिरह जब गई भवानी, चित्रास का उन सनमानी, गृह जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया दक्ष के भय से। सादर भली मिली एक माता, मेहतारी जरूर मिली है, और बहने तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देख जीजी जाकू नो तो नाउ तो आ गई है। तो जिस समय सती ने अपने पति का निरादर देखा है, तब जाकर के महाराज दक्ष के सामने खड़ी भई कि पिताजी मेरे पति का स्थान यज्ञ में कहां है, मेरे पति को कहां स्थान दिया है तुमने। तो देखो दक्ष ने मुझे नहीं सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो दो पूरी जेऊ खा जावे, पर नहीं माने, निरादर कर दिया बेटी का। और दक्ष महाराज आसन से उठ करके बोले सती से, क्या ललित चो बिना बुलाए आई, ललित चो बिना बुलाए, ललित चो बिना ललित
ने समस्त देव समाज को नौता दिया पर तेरे पति को नौता दिया नहीं। तो सती ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ क्यों? कैसे? तो दक्ष बता रहे हैं, सुन। देवनु को दरबार जुराओ, दरबार जुराओ, कोई सवाई ने नार नवाई। समाज लगा हुआ था कब? जब पूरे देव समाज पे सबके अध्यक्ष बन गए थे दक्ष महाराज, तब बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, उस समय जब सब देवताओं ने मेरे लिए मस्तक झुकाया, तुम्हारे इस शिवजी ने मुझे प्रणाम नहीं किया, उसी दिन मैंने श्राप लगा दिया था कि इस शिवजी को कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा। तो देखो दरोगा जी, तुमने पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरी की है, नजर उठा के देखना, जितने भी समाज में गलत काम होते हैं सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं, छोटे नुकर को लिंदे हो, बड़े आदमी करते हैं सबसे पहले गलत काम। और देखो सबसे ज्यादा एक हमारे समाज में गलती चली आ रही है, इटावा के दर्शन सिंह उसे मेटने के लिए पूरी बिरादरी को समझाते रहे, अहीरों को पूरी जिंदगी समाप्त कर दी, पर आदमी की बात किसी ने नहीं मानी। कौन सी? मरे हुए की दावत मत करना, तेरवी मत करना, किसी शास्त्र में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी वेद में नहीं। बहुत बड़े ऊंचे शास्त्री भी थे वो दर्शन सिंह, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी कि मरे हुए की दावत मत करना। लेकिन वो रुकी क्यों नहीं कि बड़े आदमी तो इसलिए कर जाते हैं कि घर में रुपया भर रहा हुआ है। नाम कहने के साथ उनने अपने पिताजी की तेरमी में 100 मन की दावत करी, और फिर एक दिन मत जावे गरीब को, तो फिर वे बड़े बड़े आदमी जबरदस्ती करवा रहे हैं कल खाई ना ही करे बस ना, और तो पर ना आए तो अब हम पे दिले बाद में साफ करती है। ये कुरीति मिट्टी नहीं। तो महाराज दक्ष ने श्राप लगा दिया था कि आज से शिवजी को कोई मौता नहीं दे। तो तब सती ने कही है कि सुनो पिताजी, तुमने तो श्राप दो उन्हें, और अब मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें। क्या पे? ओई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई, तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। ये यज्ञ जो हुआ था वो कनखल में हुआ था, आज भी वो जगह मौजूद है कनखल। उस दिन से आज तक कनखल में दोबारा यज्ञ कभी हुआ नहीं, ना अब होता। श्राप लगा दिया, और उस समय सती कर्म कौन सा करती थी? अरे योग की अग्नि चली अभी तरती, चली भी तरती, तीनों बदन जराई, लली चो बिना बुलाई आई भी चो। योग की अग्नि चली भी तरती, चली काया में तीनों बदन जराई, लली चो बिना बुलाई आई भी चो। कल ठिकाने आई, पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, काया भस्म कर दी। और जिस समय वे दोनों गण जो संग आए भोलेनाथ के, वे लौट के चले, भोलेनाथ ने की कहो है गई यज्ञ? दोनों गण बोले महाराज यज्ञ का है गई, सती कहां है? महाराज सती मैया जल गई,
तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा निरादर हो रहा था महाराज दक्ष का, इसलिए उन्होंने अपनी काया में आग लगा ली है। रोए गए भोलेनाथ। ध्यान रखना, बिल्कुल माया से परे थे, माया से बिल्कुल अलग रहते थे, और फिर भी आज जब जोड़ीदार का मरण सुना है तो भोलेनाथ रो गए। देखा होगा तुमने, ये कथा नेट पे भी आई है, सती के प्रसंग की मोबाइल पर आती है। तो आज भोलेनाथ दोनों गढ़ों से पूछ रहे हैं कि कछु कही गई है हमारा जित। हमने सुनिए कि राजा दक्ष ते ये कही कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। भोलेनाथ कह रहे हैं दोनों वचन पूरे करूंगा, दोनों ही पूरे करूंगा। उस समय आज क्रोध में भोलेनाथ बैठे हैं आसन पर, और कर्म कौन सा करते थे। ध्यान रखना, अपने योग का ध्यान किया। अरे तब बैठी कहे त्रपुरारी, और जिस समय वीरभद्र सामने खड़े हुए हैं तो भोलेनाथ ने कहा, हाथ में खड़ी गु समारो अपने चलती दक्षिया की में जाइए, कोई भी संस यज्ञ राजा की मत पीछे तू कदम हटाइए। अरे सती ने मुखते वचन कहो धरी भगवान की। दक्ष का सरकार देना और यज्ञ विध्वंस करना।